बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। जनाब असद कैसर साहब, स्पीकर पाकिस्तान नेशनल असम्बली, मैं आपको सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया ECO के स्पीकर्स को और पार्लियामेंटेरियंस को जो आज आपने दावत दिया, मैं आपको मुबारक देता हूँ। और मोज़ स्पीकर्स जो 10 ECO के मुल्क से हैं, कई जूम के ऊपर हैं 2 और बाकी जो यहाँ हैं, मैं आपको और जो आपके साथ पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, मैं आप सबको पाकिस्तान में आने का खुशामदीद कहता हूँ। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई स्पीकर साहब कि आपने ये जो इस्लामाबाद का चार्टर सब ने साइन किया और जो मंजूर किया, इसके ऊपर भी मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इसमें आपने कई बड़ी अहम बातें की। सबसे पहले तो जो आपने कमिटीज़ बनाई जो इंक्रीज़ करेंगी, हमारी इम्प्रूव करेंगी कनेक्टिविटी इन 10 ममालिक के अंदर, उसके लिए मैं आपको आप सबको अपनी खुशी का इजहार इसलिए करना चाहता हूँ कि दुनिया में मुल्क नहीं मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन्स तरक्की करती हैं, और ये कितनी बड़ी रीजन है। और मैं अभी गालिबा अभी मैंने सुना था, अभी हमारी जो पीछे बात हो रही थी कि मेरे ख्याल में तुर्की के स्पीकर ने ये कहा कि हमारी जो कंबाइंड आबादी है वो 45 करोड़ है। 45 करोड़ एक बहुत बड़ी एक ह्यूमैनिटी का नाम है, जिसमें बहुत पोटेंशल है कि अगर हम इस इतने नंबर्स को हम सही माने में कनेक्ट कर लें और अपनी तजारत बढ़ा लें और अपने मसले हल कर लें, तो ये एक पूरा पावर हाउस बन जाता है। और इसमें मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं, कई किसी चीज़ की किसी में कंपैरेटिव एडवांटेज है, कईयों के पास किसी किस्म के वसाइल हैं, किसी के पास यंग पॉपुलेशन है कि तो हर जब ये कंबाइन हो और 45 करोड़ लोगों की अगर हम इस पोटेंशियल को टैप कर लें तो ये सबको फ़ायदा है। मुझे याद है हमारे सामने, मैं जब बरतानिया में यूनिवर्सिटी में था तो यूरोपियन यूनियन हमारे सामने बनी थी, तो यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर्स ज्वाइन किए, देखते देखते सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चली गई, क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, जब भी आप रिलैक्स करते हैं कस्टम्स के अंदर, एक दूसरे की चीज़ों के ऊपर रुकावटें कम करते हैं, ड्यूटीज़ कम ख़त्म करते हैं, तो वो सारे इलाके को तजारत से फ़ायदा होता है। तो हमारे पास तो एक ये सारे खित्ते के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा के अपने साथ ज़्यादा कोऑपरेट करके, और आपने जो कमिटीज़ बनाई हैं इससे मुझे लगता है, क्योंकि 2013 के बाद बहुत बड़ा गैप है कि आपके जो ये स्पीकर्स की मीटिंग हुई, तो इससे ज़्यादा जब कमिटीज़ फंक्शन करेंगी, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह इससे हमारे मुल्क भी करीब आ जाएंगे। और जिस तरह और पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिधर बड़े मसलों के फैसले होते हैं, डिबेट होती हैं, तो उधर ये चीज़ें भी डिबेट होंगी जब आपकी कमेटीज़ फंक्शन करेंगी कि किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इंशाल्लाह पार्लियामेंट डिबेट करके वो इश्यूज़ दूर करेंगी। मुझे ये भी खुशी हुई कि आपने एक तो ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात की, लेकिन साथ साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आपने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया। और दो हम सब के लिए इमोशनल अटैचमेंट है 2 इश्यूज़ की, और वो दोनों इश्यूज़ नाइंसाफ़ी की वजह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको जो उनका राइट है वो नहीं मिल रहा, जो इंटरनेशनल लॉ ने, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस उनके फेवर में है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अमल नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से बड़ी तकलीफ में है लोग, एक फ़लस्तीन में और दूसरा कश्मीर में। और इसलिए आपने जो बड़ी वाज़े तौर पे इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की, ये जब एक आवाज़ उठती है इंसाफ के लिए, तो वो जितनी मर्ज़ी थोड़ी हो शुरू में, वो आखिर में अल्लाह अल-हक है, सच है, वो फिर फैल जाती है सारी जगह। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि आपने इसके ऊपर वाज़े तौर पे अपने व्यूज़ दिए कि दोनों रीजन्स के अंदर दोनों लोगों के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरी आज मीटिंग हुई ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमाम अली से, तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सारे खित्ते को फेस करते हैं। एक है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये जिन जिन इलाकों के अंदर ग्लेशियर्स का पानी जाता है दरियाओं के ज़रिए, उन सब को एक ख़तरा है कि आने अगर इसी तरह टेम्परेचर ऊपर जाता गया तो उनके जो आगे पानी का मसले हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो मुझे पता ही है कि हमारा मसला ताजिकिस्तान का, किर्गिस्तान का, उज़्बेकिस्तान का, ये आगे जाके इन सब को, कज़ाकिस्तान, इन सारों को प्रॉब्लम्स आएंगे अगर अभी से हमने स्ट्रिक्ट मेजर्स ना लिए, कोशिश ना की कि दुनिया में जो पूरी मूवमेंट चली हुई है क्लाइमेट चेंज के को रोकने के लिए, इस मूवमेंट का हिस्सा बन के हमें अभी से कोशिश करनी चाहिए कि इसके मिटिगेट करें, कम करें इसके इफेक्ट्स। पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। पहले हमने 2013 से लेके 2018 1 अरब हमने दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में, जिधर हमारे सूबे में हुकूमत थी। अब हमने इससे भी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है, 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाने का अगले 5 सालों के अंदर। उस 10 अरब का 1 अरब दरख्त हमने अभी कंप्लीट किया है पिछले दिनों में। और ये हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए उसके इफेक्ट्स को कि हम अपनी पूरी कोशिश करें। उसी तरह जितने भी हमारे 10 ममालिक हैं ECO के, हम सबको इसके अंदर बड़ी ज़ोर से भरपूर तरीके से शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आधे मुल्क बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे अगर इसी तरह टेम्परेचर्स बढ़ते गए। दूसरी चीज़, एक आज हमने जब गुफ्तगू की तो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ने ये तय किया कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स विड्रॉ करें अफ़गानिस्तान से, तो हम पूरी तरह अपनी कोशिश करें एक पीसफुल ट्रांजिशन की, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, क्योंकि ये हम सब सारे खित्तों को फ़र्क पड़ेगा अगर अफ़गानिस्तान में वो पीसफुल सेटलमेंट ना हुई और इंतशार हुआ, हम सब इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि जो अगला दौर है, जिस तरह मैंने कहा, वो है सारे रीजन का डेवलप होने का, उसकी कनेक्टिविटी का। और अगर अफ़गानिस्तान में हालात ठीक नहीं तो हम सब मुतासर होंगे उससे। तो हम सारे जो ECO के ममालिक हैं, हमें सब पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से ज़ोर लगाना चाहिए कि ये जो ट्रांजिशन है, ये जो अमेरिकन फोर्सेस और नेटो अफ़गानिस्तान से जा रही हैं, ये ट्रांजिशन पीसफुल हो, पुरअमन हो, वो ना हो जो 1989 में हुआ जबकि सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकली, तो जो कैओस है वो हम सब जानते हैं। मैं आखिर में सबको फिर से वेलकम करता हूँ पाकिस्तान। मैं सारे स्पीकर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह आपने बैठ के सारी इश्यूज़ डिस्कस करके जॉइंट डिक्लेरेशन निकाली है जो चार्टर ऑफ इस्लामाबाद है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये इंटरेक्शन हमारे बढ़ते जाएंगे आपस में, पार्लियामेंट से शुरू होकर पार्लियामेंटेरियन से, और फिर हर शोबे में मिनिस्ट्रीज़ में कोऑपरेशन होगी, ट्रेड की, कनेक्टिविटी की, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स की, तालीम के अंदर एक्सचेंजेस की, और इंशाअल्लाह ये सारा खित्ता इससे सारा बेनिफिट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।